तो कैसे हो गाइस, मैं हूँ आपका आरएस भाई और एक नया वीडियो लेके। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि कोचिंग की मैं बहुत दिन से नहीं गया, तो आज चलते हैं। चलो मैं उतरा अभी। तो मैं आज रैंडम प्लेयर के साथ खेल रहा हूँ, कोई और किसी को मैं नहीं जानता। तो जब भी एक काम करो ना, जब तुम कूद रहे हो, अगर जो जिसके साथ तुम कूद रहे हो या नहीं तो फॉलो कर रहे हो, तो उसका ही मार्क रहने दो, खुद मार्क नहीं लगाओ, क्योंकि उसको उतारने में तकलीफ होता है। तो इसीलिए अपना मार्क हटा देना। देखो मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हुआ यहाँ उतरने में, तो ठीक है, मैं फाइनली उतर गया। देख दुख के एक राइट पे एक बंदा उतर गया था मेरे से पहले, तो पास ही में उतरा है। तो मैं जा रहा हूँ ये 3 स्टोरी बिल्डिंग में, तो उतरा और यहाँ मेरे को पिस्टल मिल गया। फर्स्ट एड फेंक के मारूँ क्या मैं आज? हॉलो साइड भी फेंक के मारूँगा। चलो मैं देखा पिस्टल का कोई कुछ तो नहीं कर पाऊँगा मैं पिस्टल से, तो मैं उठा गन की तलाश पे, गन ढूंढ रहा हूँ ढूंढ रहा हूँ ढूंढ रहा हूँ ढूंढ रहा हूँ ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे गन मिलता कहाँ है। तुम्हारे भाई का इतना इतना लक खराब है कि गन नहीं मिलेगा पर स्कोप मिल जाएगा। अब मैं क्या स्कोप फेंक के मारूं बंदे को? स्कोप फेंक के मारूंगा, हेडशॉट लगेगा, हेडशॉट वन शॉट कर। तो यहाँ मेरे को VSS मिलता है, ठीक है। तो अब जान में जान आता है। नेक्स्ट मेरे को अभी एक AKM भी मिलेगा शायद, तब मेरे को पूरा दिल से सुकून आता है। तो मैं यहाँ एनर्जी ड्रिंक उठाना भूल गया था। चलो AKM मिल गया। तो यहाँ से मेरा बंदा बोल रहा था कि बंदे हैं इधर भाई, आ जाओ, बंदे हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे पास। मैं बोला ठीक है आ रहा हूँ। ये देखो उसने बोला बंदे इधर है। मैं थोड़ा प्रो लेवल का चीज़ किया हूँ कि ऊपर चढ़ गया मैं स्पाइडरमैन बना फिर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ एनिमीज हेड इसलिए मार्क किया, मैं पूछ रहा था कि इधर है इधर है, तो ग्रेनेड करूँगा। और तुमको तो पता है तुम्हारा आरएस भाई इतना इतना घटिया ग्रेनेड करता है, कोई फूटे ना फूटे आरएस भाई खुद ही फूट जाएगा। तो ये ग्रेनेड नीचे फूट गया। तो मेरा बंदा बोल रहा था कि भाई तू तो हमको ही फोड़ देगा। तो ठीक है मैंने सॉरी फॉरी बोल दिया। तो यहाँ मैं थोड़ा देखा, मुझे लग रहा था बंदे नहीं है इधर, पर जब मैं उतर रहा था तब इधर एक बंदा उतरा था। तो मैंने मेरे दोस्त को बोला, मतलब मेरे टीममेट को, दोस्त नहीं है अननोन प्लेयर है, तो मेरे टीममेट को बोला कि तू ऊपर जा, तेरे पास अच्छा गन नहीं है, मैं कवर फायर दूंगा। तो देखा कि यहाँ तो कोई बंदा ही नहीं है, तो मैं फिर से स्पाइडरमैन बनने ऊपर चला। ये कूदा, ये चढ़ा, फिर से चढ़ा और मैं बन गया स्पाइडरमैन। तो यहाँ से मेरे को ना बहुत टाइम से फायर आ रहा है, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ पर मिलता ही नहीं है भाई। क्यों भाई इतना लेवल का कैंपिंग? तो मेरे को पीछे से पड़ गया बहुत जोर का। नेक्स्ट मैं इस बंदे को ढूंढ रहा हूँ, बाकी सामने एक बंदे को नॉक करके फिनिश कर दिया मेरे एक टीममेट ने। तो ठीक है मैं देख रहा हूँ, देखते देखते बंदे तो मिलते नहीं आजकल। तो 3 नंबर कुछ बड़बड़ आ रहा है। नेक्स्ट पोचिंग की में बहुत हाई लेवल का कैंपिंग चल रहा है। तुम इतना नेक्स्ट लेवल का कैंपिंग चल रहा है ना, तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम यहाँ सांस नहीं ले सकते, इतना कैंपिंग। एक एक स्टेप पे ना कैंपर बैठे हैं। तो यहाँ मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश किया पर बंदे नहीं मिलते मेरे को। यहाँ पर कैंपिंग करके बैठा होगा एक सामने, तो मैं इतना देर वेट कर करके कर करके कर करके मिलता तो कोई नहीं। तो मैं यहाँ जब 3 स्टोरी में जा रहा था, सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ शायद, तो मैंने थोड़ा सा बॉट फायर की आवाज़ दिया कि कोई तो फायर करे। तो यहाँ मेरे बंदे को पूरा फिनिश कर देगा एक साला नूबड़ा कैंपर, वो शैक में बैठा होगा। तो इतना गंदा मारा है ना मेरे दोस्त को, क्या बताऊँ।
फिर मार के पूरा खा भी लिया, पर मुंह नहीं दिखा था, मुंह नहीं दिखाया भाई। क्यों यार, वो 4 नंबर गया, वो शैक पे घुसा, शैक पे घुस के घुसा, शायद शैक पे नहीं था, कहीं और था क्या? वो वही था शायद। तुम तो मुझे यहाँ नहीं मिलता, तो यहाँ एक बंदे बंदा आता है तो मैं इसको मारता हूँ, पर मेरे टीममेट, यहाँ मेरा 4 नंबर नॉक हो गया, तो उसको पूरा खा भी ले M762 से, जो कि मेरा फेवरेट गन है। तब मैं भी ऐसे हाथ में लेके देख रहा हूँ, मुझे लगता है वो 4 नंबर ना उस घर के अंदर जाके मरा। मैं तब से सोच रहा हूँ कि ये शेक पे शेक पे शेक पे, पर शायद नहीं, शेक पे नहीं। तो यहाँ मैंने बहुत वेट किया, बहुत वेट किया, तो कोई नहीं दिखा। बहुत ही कम किल हो रहा है भाई, पूछिंग की में इतना कम किल लेके मुझे खुद पे शर्म आ रहा है। तभी इन लोगों ने एनिमीज हेड मार की, तो मैंने बोला कि छोड़ो यार, ये कैंपर के चक्कर में नहीं पड़ते। जहाँ प्लेयर है, मतलब कैंपर नहीं, जो क्या क्लोज कॉम्बैट ले सकते हैं, उनके साथ जाके फाइट करते। तो यहाँ मैंने वहाँ जाने का फैसला लिया, वही स्पाइडरमैन वाला, स्पाइडरमैन जंप किया, फिर उस वाले में जंप करूँगा। मैं पक्का बता रहा हूँ, मैं तो ओलंपिक पे जा रहा हूँ जंप करने के लिए। यहाँ मेरा 2 नंबर नॉक हो गया, पर उसको खा भी लिया। मतलब क्या है यार, छोड़ दो यार, क्यों मार रहे हो बेचारे को? तभी तो मेरे को दिख गया कि इस वाले सामने वाले घर में, वो मेरे 3 नंबर की तरफ भागा हुआ गया। तो मैं तो सोच ही लिया, इसको तो छोड़ूंगा नहीं, मेरे दोस्त को मारा है, तो मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ। तो ये बंदे पूरे ऊपर ही उठ गया और मेरा 3 नंबर है नीचे। तो इधर बहुत, इसलिए बोलता हूँ कैंपिंग मत करो। कैंपिंग करने से क्या होता है जानते हो? कैंपिंग करने से ना वो जो फाइटिंग स्किल होगा ना तुम्हारा, एकदम ख़राब हो जाएगा, तुम फाइट ही नहीं ले पाओगे। और अगर तुम ये कैंपिंग करके इस पे चले भी जाओ ना, बहुत मुश्किल होगा, चले भी जाओ ना, उस एस का कोई फ़ायदा नहीं है, उस एस का पैराशूट का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा गेम का स्किल ही नहीं है। तुम जब किसी के स्क्वाड में घुसोगे ना, वो तुम्हारा KD देखेगा, इसका KD ये है, इसका KD 2 है, 2 KD का प्लेयर और एस में जाके बैठा है, चल निकल नूबड़े को, ऐसे बोलेंगे वो। क्योंकि मेरे साथ खुद हुआ है ये, इसलिए इस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कैंपिंग करना है तो करो ना, ब्रिज कैम्प करो, ब्रिज कैम्प करो। और जब तुम सोलो हो, 4 बंदे एक साथ रस मर रहे हैं, तो तुम TPP लेके कैम्प करो, वैसे कैम्प करो यार। ऐसे तुम, पूरा स्क्वाड है तुम्हारे ऊपर, तो तुम कैंपिंग करोगे? एकदम नहीं, कैंपिंग नहीं, नहीं करो भाई। तो यहाँ मैंने 3 किल कर लिए, तो मैंने बोला मेरे दोस्त को, चल भाई निकलते हैं, और काम नहीं है इधर। तो मैंने यहाँ पेन किलर खाया, जो कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही, कैसा स्वाद था पता नहीं। ओ, ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, जिसने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और मेरे वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ या शेयर करो, शेयर करो दोस्तों, प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है यार। तुम्हारे भाई का चैनल ग्रो होगा तो तुम्हें भी तो मज़ा आएगा। तो इधर मैं गाड़ी लेके निकलता हूँ और बंदे ढूँढने, जो कि मिलते नहीं हैं। तो मैं यहाँ चला, चलता ही गया। तो मैं यहाँ वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम बोर हो जाओ। तो गाइस, यहाँ पे एक बंदा है, जो कि मेरे दोस्त ने बोला, और मैंने मैप पे देख भी लिया। तो मैंने मेरे दोस्त को बोला कि ठीक है भाई, थोड़ा कवर पे रोकते हैं, तो अब तुम देखना, वो बंदा इतना ज़ोर से भागेगा वो स्क्वाड हाउस से, कि तुम भी बन जाओगे सांप जी, हमारे फेवरेट सांप जी, स्नेक, वही तो बोल रहा हूँ, स्नेक अनोल बैटल ग्राउंड कर देना, मज़ा आ जाएगा। तो मैं सोच रहा था इधर है,
तो अचानक से मेरा बंदा बोला कि मेरे लेफ्ट के तरफ वो कूद गया। तो ठीक है, कूद गया तो सो कूद गया, क्या बात है। तो मैं ऊपर गया, देखा कि ये ब्रोकन वॉलमेंट तो नहीं है ना, क्योंकि हो सकता है टीपीपी लेके। तो ठीक है, मैंने देखा नहीं है, चलो तो पूरा ऊपर गया। तभी अचानक देखा मेरे बंदे ने मार डाला उसको, और वो कहाँ मारा है देखो, उस पेड़ के पास जाके लेट गया वो। मतलब साहब जी की जय हो, साहब जी की जय हो। तो यहाँ मैंने उसको लूटा, उसका घंटा लूट था, उसके पास कुछ नहीं था। मैंने बोला दोस्त यार निकलते हैं, मज़ा नहीं आ रहा, किल नहीं आ रहे, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को। तो बोला मैंने चलो भाई निकलते हैं। तो मैंने निकला, यहाँ से निकल गया, गाड़ी में बैठा। फिर से मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ इसको भाई, सीन काट रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई तुम लोग बोर हो जाओ। तो मैं फिर गाड़ी निकाल के आगे जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, बहुत चला रहा हूँ, ड्राइविंग का स्किल इम्प्रूव कर रहा हूँ। पर मैं कमेंट में मत लिखला कि मैं ओला ड्राइवर हूँ, ड्राइविंग ठीक ठाक कर लेता हूँ यही। तो सामने अचानक से जादू से एक गाड़ी आ जाता है, जो कि मेरे पार्टनर ने इतना मारा, इतना मारा, और मैंने उसके पीछे इतना भगाया कि बेचारा फूट ही गया। ना वो नॉक हुआ, ना उसको चांस मिला। उसका मतलब बॉडी ऐसे हवा में उड़ गया है, तुम रिवाइंड करके देख सकते हो, मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ मैंने लूटा, फिर से जा रहा हूँ यार। तो इसके बाद मेरा बंदा बोलता है कि पीछे बंदे भाई पीछे घुमा ले, तो मैंने पीछे घुमा दिया। तो यहाँ एक मज़ेदार मतलब डरावना एक चीज़ हुआ है, देखो भाई देखो, और मतलब देख ही लो, वो बंदा जा रहा है, मैंने नॉक कर दिया। ये एक बाइक जा रहा है, तो मैंने इसको फिनिश कर दिया ताकि मेरा किल चोरी ना हो। और मेरे पास मेरा पूरा बगल से एक गाड़ी चला गया। तो यहाँ दो गाड़ी है, एक फायर कर रहा है। तो यहाँ ना टोटल 4 स्क्वाड हम पे अटैक मार दिया, मतलब इतना गंदा सिचुएशन हो गया था, मतलब पूरा डरा ही दिया। यहाँ एक बग्गी, वहाँ एक बाइक और एक गाड़ी मतलब जीप वाला, और एक बग्गी आएगा। तो देखो भाई देखो, मतलब कैंपिंग क्या होता है इनसे सीखो। मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ बंदे, ढूंढ रहा हूँ कहाँ है भाई, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। मैं बहुत देर से सोच रहा था कि बंदा ऊपर है, पर ये तो अलग ही सीन निकलेगा, है बंदा तो नीचे होगा, जो कि मुझे नॉक कर दिए था। तभी मेरे बंदे ने बोला ऊपर, अरे नेट गया। मैंने पूछा कहाँ नेट गया, ऊपर? तो बोला नहीं नीचे। तो नीचे मतलब मैं डायरेक्ट ऊपर भाग गया। तो मैंने देखा घर के बाहर, अरे बोलेगा तो भाई घर के बाहर, मैं सोच रहा था इधर एक बंदा होगा पर दिखा नहीं। तभी अचानक मेरे को नीचे से एक बंदा दिखा, जो कि भाई यहाँ है, इसने मुझे बहुत डैमेज दे दिया, किसी ने इसको नॉक कर दिया, पीछे से कोई मुझे डैमेज दिया, इतना डैमेज दिया कि मैं नॉक ही हो गया। तो यह मेरा वो बंदा है, तो मैंने चीख चीख के बुलाया बंदे आ जा भाई, ओ इसने तो नॉक ही कर दिया जिसने मेरे को डैमेज दिया था। तो इसको किल कंफर्म करने को बोला मैंने, किल कंफर्म कर दे यार नहीं तो प्रेशर बनेगा। तो उसने बुलाया कि इधर आ जा भाई, उस उधर नहीं रहते, पूरा खुला है, कोई भी खिड़की से मार सकता है। तो मैंने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो इसने मेरे को रियाद दे दिया, भाई थैंक यू भाई 3 नंबर के लिए, थैंक यू सो मच। और बात मैं आगे नहीं बढ़ाऊँगा ज़्यादा, सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ मैंने बंदे को ढूंढने की कोशिश की, बंदा तो मिल नहीं रहा मेरे से। मुझे गारंटी है कि वो सांप बना है भाई, सांप बना है, वो गारंटी सांप बना है। तो यहाँ मेरे दोस्त ने मेरा किल कंफर्म कर दिया। तो मेरे को यहाँ से ना दो भाई कितने ज़ोर ज़ोर से चमाट पड़ गए, वो मिनी 14 था शायद, मिनी 14 का टैप टैप करके। तो इसको मैं नहीं मारूंगा, दूसरा एक बग्गी वाला डुओ आके मार के जाएगा, ये सांप बना बैठेगा सामने, पूरा सांप जी की जय जय जी। तो यहाँ बंदे को देख रहा हूँ, स्पॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर दिखाई नहीं दे रहा भाई, क्यों? वहाँ ड्रॉप गिरा है यार, कोई लेगा क्या ड्रॉप? तो मैं देखने की कोशिश करता हूँ यार पड़े कहाँ से, यार पड़ा कहाँ से मेरे को। तो मेरे दोस्त ने बोला एक गाड़ी आ रहा है, तभी मैंने देखा बग्गी आ रहा है।
तो वो तो मैंने टैप टैप किया क्योंकि वो बग्गी चला जा रहा था। तो ये बग्गी वालों ने ही उस सांप को मारा, इतना मारा इतना मारा कि क्या बताओ। मेरे दोस्त एक दोस्त ने उसको उसका एक टीममेट को नॉक किया और मैंने यहाँ एसकेएस चला डाला इसके ऊपर। देखो कितना घटिया एम है तुम्हारे भाई का, 3 शॉट लगे एसकेएस के और वो बंदा खत्म। नेक्स्ट मैं यहाँ पूरा खत्म, मतलब यहाँ का पूरा क्लियर कर दिया। नेक्स्ट मतलब और बंदे नहीं है इधर। तो मैंने गाड़ी निकाला और मेरे बंदे को बोला कि चल भाई यहाँ मामला सेटल है। तो मैं यहाँ चला रहा था बिंदास क्योंकि हमें जोन में जाना है। तो अचानक से मेरे को एक गाड़ी दिखा, मैंने बोला दोस्त को कि फोड़ दे अगले वाले जैसा। इसने बहुत डैमेज दिया, बहुत डैमेज दिया, पर भाई ये किल किसी को नहीं मिला, इसका किल किसी को नहीं मिला, ना कि ओपोनेंट को ना कि हमको। उसने क्या किया आगे जाके देखो तुम। तो मेरा दोस्त फायर कर रहा है, फायर कर रहा है, ऑलमोस्ट मतलब मार ही देता अगर वो कूदा नहीं होता। तो यहाँ भागो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। तो यहाँ अचानक से उसने गाड़ी को मतलब गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो गया था उसका। तो यहाँ उसने कूद गया, यहाँ कूद गया उसने, मतलब वो किल नहीं देना चाहता किसी को, इतना गुस्सा है हम पे। तो यहाँ मेरे दोस्त ने बोला कि सामने बंदे हैं नीचे कूद। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं कूद रहा हूँ यार। वो बंदे दिखे, दो बंदे, तो यहाँ एक्चुअली पूरा स्क्वाड ही होगा। तो यहाँ मेरे को डैमेज पड़ा और यहाँ कुछ खास मज़ा नहीं है। मैंने देखा यहाँ कि कोई तो है। उसने बोला अरे पड़ गया मेरे को कार्बाइनेट का चटका। कार्बाइनेट का क्या AWM का पड़ा होगा शायद, नहीं, कार्बाइनेट था, नहीं AWM होता तो मैं जाता। तो मैं यहाँ AWM ने कार्बाइनेट का पटका खा के मैंने सोचा चलो भाई थोड़ा राइट लेफ्ट किया जाए इनके साथ। मैंने एक स्मोक किया, अच्छा मेरे बंदे ने एक को डाउन कर दिया, तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं सामने जाने की कोशिश कर रहा हूँ स्मोक करके। देखो भाई यहाँ कितना खतरनाक सिचुएशन था मेरे ऊपर, और ऊपर से एक गाड़ी जा रहा है ब्रिज में से। तो यहाँ मेरे को कॉन्टिनेंटेड का बहुत जोर का पटका पड़ जाता है जो कि मैं आज तक नहीं भूला। रनिंग पड़ जाता है ना, रनिंग मारने में ही मजा है। मतलब अगर तुम रनिंग शॉट लगा सकते हो तब तुम बेस्ट स्नाइपर हो यार। तो यहाँ मैंने एक स्मोक किया, तभी मैं ये स्मोक समझ के करने जा रहा था, तभी देख लिया मेरे हाथ में ग्रीनेड है। मतलब मैं खुद को ही उड़ाने के प्लान में था। तो मैंने बोला है ना मैं ग्रीनेड घंटा करता हूँ, मतलब मेरे से घटिया ग्रीनेड कोई ज़िंदगी में कर ही नहीं सकता, चैलेंज है मेरा आज का। तो मैं नेक्स्ट यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जाया तो मैं सोचा सब साले लेफ्ट में है तो मैं राइट पे ही जाता हूँ, राइट से घुमा के कुछ कर लूँगा। तो यहाँ देखा कि राइट पे कोई बंदा ही नहीं है, सब लेफ्ट पे खड़ा है। तो यहाँ एक बंदे और एक बंदे बंदा है जो कि मेरे को मारने की कोशिश करेगा, पर उसको क्या पता था कि हमको भी तो चलाना आता है भाई, थोड़ा सा भी हो तो हम भी थोड़ा चला लेते हैं स्नाइपिंग। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ कोई बैठा नहीं होगा, तो मैंने बहुत ग्रेनेड कर दिया, मतलब जितना ग्रेनेड था मैंने डाल दिया, मैंने उस पार भी डाला ताकि कोई तो फूटे। पर तुम तो जानते हो मैं इतना घटिया ग्रेनेड करता हूँ, मेरे से घटिया कोई कर ही नहीं सकता। तुम बोलोगे, तुम बोलते हो कि तुम्हारा भाई बोलता है कि सांप मत बनो, तो यहाँ तुम सांप क्यों बने भाई, पूरा स्क्वाड है सामने। पर इसका इसका एक चीज़ देखना, रिवाइंड करके इतना जल्दी वो वहाँ गया कैसे? इसका नेट का प्रॉब्लम था कि क्या था मुझे पता नहीं, पर वो नॉक हो के उतना स्पीड से जाता कैसे है? इसका हैक था कि क्या था भाई, कमेंट करो नीचे। तो मैंने देखा कि यहाँ मेरा बंदा नॉक हो गया, अरे भाई पूरा खा लिया इसको। तो यहाँ ना मैं मरने ही वाला था, मैं बोल दे रहा हूँ मैं मर जाता इधर अगर इस M249 वाले का रीलोड पे ना होता। मतलब इसका इतना खतरनाक था
वो M249 रीलोड कर रहा था, इसलिए ना जब भी M249 यूज़ करो तभी एक मतलब सेकेंडरी गन ऑटो गन रखो यार, मैं बोल रहा हूँ। मैं यूज़ नहीं करता सेकेंडरी गन क्योंकि मुझे पता है कब रीलोड करना है कि नहीं करना, तो तुम लोग सेकेंडरी ऑटो गन रखो यार। तो यहाँ मैंने लूट रहा था और मुझे पीछे से दो चमाट पड़ गए इतना जोर का ना, मैं भूलता नहीं हूँ उस चमाट को। तो मेरे दोस्त बोले कि अबे कितना लूटेगा, थोड़ा तोड़ जा, और यहाँ तुम्हारे भाई को AWM मिल जाता है जो कि बहुत प्यारा, बहुत दुलारा, सबसे प्यारा AWM वाला। तो यहाँ AWM तुम्हारा भाई उठाता है। मैं जानता हूँ मैं बहुत अच्छा स्नैपिंग नहीं करता, पर मज़ा आता है यहाँ स्नैपिंग करने से। तो यहाँ मेरे को बोल, मतलब इतना जोर का बचा ना, 1 HP हो गया था। मेरे दोस्त बोल रहे थे कि कितना लूटेगा, मर ही तो जाएगा। तो मैंने बोला भाई ठीक है ठीक है। मैं थोड़ी देर इसको देखने की कोशिश किया पर बंदा दिखा नहीं, क्योंकि वो भी तो सांप बना फिरेगा, तो उसने सिर नहीं दिखाया। तो मैंने सोचा कि राइट से ऊपर ही जाता हूँ यार, इससे अच्छा है यहाँ नीचे मेरा डिसएडवांटेज होगा, कोई पीछे से आएगा तो पेल पुल देगा बहुत जोर का। तो यहाँ मेरे दोस्त ने बोला दूसरी साइड कर, वो सोचेगा कि उस साइड से जा रहा है। तो कि ये वाला आइडिया एकदम फर्स्ट क्लास था, मैं आराम से निकल गया, इतना अच्छे से निकला ना क्या बताऊँ। तो यहाँ मैंने देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ बंदा है, और यहाँ ये रहा, मतलब इतना घटिया स्नाइपिंग देखो, ये वाला मिस कर दिया मैंने। नेक्स्ट मैंने सोचा कि मैं ऊपर ही जाता हूँ, भाई छोड़ो यार यहाँ से स्नाइपिंग मेरे से होगा नहीं क्योंकि घास फास है। तो भी मैं ऊपर जा रहा हूँ तो यहाँ भी चेक कर लिया मैंने कि कोई आजू बाजू तो नहीं है, ताकि मेरे को ऊपर उठने से पहले ऊपर ही उठा दे डायरेक्ट। तो मैंने चेक कर लिया, ठीक है भाई चलो अब ऊपर जाते हैं। मैंने एक स्मोक कर लिया क्योंकि स्मोक सेव्स योर लाइफ, ये बहुत सही है भाई, स्मोक हर बार तुम्हारी जान बचाएगा यार। स्मोक रखा करो, मिनिमम 4 तो रखा ही करो यार। मैं भी 4 स्मोक रखता हूँ और 2 ग्रेनेड रखता हूँ, मतलब ये तो रखता हूँ ही क्योंकि मेरे को बहुत काम आता है। तो यहाँ मैंने बहुत वेट किया तो बंदा सिर ने कहीं दिखाया, तो मैं सोचा चल निकल ले स्मोक करके। मैंने वहाँ भी एक कर दिया, नेक्स्ट मैं भागा 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 बहुत भागा। नेक्स्ट मैं यहाँ चढ़ा और गाड़ी आ गया, पूरा स्क्वाड से भरी थी भाई, मुझे बहुत डैमेज दिया बहुत, मेरे को पीछे से भी बंदा डैमेज दे रहा है, वो गाड़ी वाले भी दे रहे, मतलब इतना जान बचा के भागा ना मैं, कोई भाग नहीं पाएगा इतना, मतलब भाग लेंगे पूरा, बहुत टफ सिचुएशन था। तो यहाँ मेरे लक ने मेरे को बहुत साथ दिया, तो थैंक यू लक जी, मेरे लिए सब जी हैं। एंड मैं यहाँ भागा, मैं चेक किया ब्रिज में कोई नहीं है, ठीक है चलो वो वाला पत्थर का कवर लेते हैं। तो यहाँ मुझे पता चल गया था ये गाड़ी वाले मेरे पीछे नहीं छोड़ेंगे, मतलब एक बंदा है तो उसको चुन चुन के मारेंगे वो वाले। तो यहाँ उसने सीधा चला गया, तो जो बंदा वहाँ साफ होके मुझे मार रहा था उसको मारने गए वो लोग, और मैंने यहाँ निकाला AWM। मेरा घटिया एम देखो कितना घटिया, इतना घटिया स्नाइपर हूँ ना, कोई इतना घटिया स्नाइपिंग कर ही नहीं सकता। तो यहाँ मैंने नॉकडाउन को चोरी करने का सोचा पर मिला नहीं। तो यहाँ AWM मैंने एक बॉडी लगाया शायद। नेक्स्ट यहाँ मैं वेट कर रहा हूँ, कोई तो सिर दिखाया यार, उनको मैं जोन में नहीं आने दूंगा, ये इनका लास्ट गलती होगा इस बार। मैंने सोचा यहाँ लेट जाता हूँ ताकि बॉडी शॉट ना पड़ जाए। तो यहाँ मैं सोच रहा था कि इनका टायर फटा दो, तो तभी एक दिमाग में आइडिया आया, एक को नॉक करके, ये हेडशॉट लगा, एक को नॉक करके इसका गाड़ी फोड़ दूँ ताकि इन लोग आ नहीं पाए। देखो भाई टैप 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 करके मार रहा हूँ मैं, पर मुझे पता नहीं चल रहा कि धुआं निकलने लगा
फिर भी मुझे क्यों इतना गोली लग रहा है उसको ब्लास्ट करने के लिए? तो यहाँ ब्लास्ट हुआ नहीं, उन लोगों ने स्मोक कर लिया, तो मैंने यहाँ रीलोड कर लिया। देखा मैंने बोला है ना, मैंने परफेक्ट टाइम में रीलोड करना आता है मुझे। तो यहाँ मैंने रीलोड किया और AWM निकाला, जो कि ये वाला हेडशॉट लगा। भाई क्या कर रहे थे वो पता नहीं, पर मैंने फाइनली गाड़ी फोड़ दिया। और बंदे मरे क्यों नहीं यार, जोन आ रहे। हाँ उनका स्ट्रेटेजी अच्छा था स्मोक करके जोन में आने के लिए, पर उनके पास कवर नहीं था। और उनको क्या पता था हमको भी AWM चलाना आता है, और हम रनिंग शॉट दे देंगे। ये लगा उसको रनिंग शॉट, ये डेड। अब ये बंदे जो ड्राइवर था उसको लॉबी में जाके गालियां पड़ रहे होंगे कि उधर क्यों लेके गया यार, जोन में क्यों नहीं लिया। साला एक बंदा पूरा ले चला गया मेरे को, तो ठीक है। अब ये लास्ट दो बंदे देखना, एक को मैंने हेडशॉट दे के AWM का खत्म कर दूंगा, सिंपल बात है। उस सामने उधर है, दोनों एक एक ही जगह है। देखो ये एक हेडशॉट, उनको उसको पूरा फिनिश कर दूंगा यार। कवर में तो जा ले, AWM चला रहा है, कोई पिस्टल नहीं। तो यार मैंने अपना किल कंफर्म किया और आखिरी बंदा भी उधर ही है। तो इधर मैं एक बहुत देर से देख रहा था कि अगर उसने हेड दिखाया तो टूट तो गया बेटे। तो उसने हेड नहीं दिखाया, जो कि बहुत ही अच्छा बात है, मतलब अच्छा गेम खेलता है वो। नेक्स्ट मैं सोचा कि साला ओपन में जोन है, ओपन में तो बैंड बजेगा अपना। तो मैं सोचा कि वो वाला पेड़ लेता हूँ, चलो वो वाला पेड़ ही सही। तो मैं फिर भी देख रहा हूँ कि वो सिर दिखा रहा है कि नहीं, सिर दिखा रहा है कि नहीं। तो वो सिर नहीं दिखाएगा, उसने डिसाइड कर लिया मैं कुछ भी दिखा दूँ पर सिर नहीं दिखाऊंगा। तो मैं अपने जान बचा के जोन की तरफ भागा, और मैंने सोचा हटाओ यार, मैं डायरेक्ट उसके पास ही जाता हूँ। ओपन में ऐसे खड़ा हो गया, मतलब क्या ना क्या समझता हूँ मैं खुद को, एक बंदा बचा है तो बस। और हाँ यहाँ तुम लोग पूछ सकते हो कि मैं सांप क्यों बना, क्योंकि मेरे पास सामने कोई कवर नहीं था, ओपन फील्ड था। यहाँ तुम सांप बनो, जो बनो बन सकते हो। और यहाँ भाई यहाँ मजा आ गया पूरा, बोल रहा हूँ मतलब इतना मजा आया। ग्रेनेड फिनिश, ग्रेनेड फिनिश हो जाएगा अभी बंदा, मतलब बंदा रो रहा होगा ये ग्रेनेड शेफ फूट गया। और एक इजी चिकन डिनर हो गया अपना भाई, बहुत ही प्यारा सा। तो भाई जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और मेरे वीडियोस को शेयर करो यार। तो मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा 2-3 दिन में, 2 दिन वेट करो यार।